नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। इस पल बारिश तो दूसरे ही पल उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं बिहार की तलहटी और नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण बिहार के उत्तरी जिलों जैसे चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में बाढ़ आ गई है। और वहीं लगातार बारिश से उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों में जून और जुलाई के दौरान लगभग रोज बारिश हो रही है। इसके अलावा बक्सर, गया, पटना, जहानाबाद जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अब देखते हैं बिहार के अन्य जिलों में अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो आने वाले 17, 18 और 19 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इन जिलों में एक दो जगहों पर 64 से 115 मिलीमीटर के बीच भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की संभावनाएं हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बात करें उत्तर बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर की, तो यहां भी अधिकांश जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही इन जिलों के एक दो जगहों पर 64 से 115 मिलीमीटर के बीच भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की संभावनाएं हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के कई स्थानों पर 17, 18 और 19 जुलाई को गरज के साथ तेज बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही इन जिलों के एक दो जगहों पर आकाशीय बिजली के साथ भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग पटना द्वारा जताई जा रही है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लोग इन दिनों ज्यादा से ज्यादा अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल की, तो यहाँ 17, 18 और 19 जुलाई को इन जिलों के कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही एक दो जगहों पर आकाशीय बिजली और भारी बारिश की संभावनाएं हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो 17, 18 और 19 जुलाई को इन जिलों के कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। बाकी के जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो अगले तीन दिन 17, 18 और 19 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन इन जिलों के अधिकांश जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश और वहीं इन जिलों के एक दो जगहों पर आकाशीय बिजली और भारी से भारी यानी 115 से 204 मिलीमीटर बारिश की संभावनाएं जताई गई है। खास तौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो यहां उमस भरी गर्मी और तल्ख सूरज की किरणें लोगों को परेशान कर सकती हैं, जहां अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। मौसम की जानकारियों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़।